टॉपिक को आज कंटिन्यू करते हैं। उसमें मैंने कल आपको बताया था कि अगर मान लो कोई भी कार्बन रेजिस्टेंस है, इस तरह से कोई भी कार्बन रेजिस्टेंस है, इसमें कम से कम तीन, मैक्सिमम फोर रेजिस्टेंस होते हैं, सॉरी फोर कलर आते हैं। इन चार कलर को देखने के बाद आप इन कलर से इस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पहला राउंड लिए, दूसरा राउंड लिए, तीसरा राउंड लिए, चौथा राउंड लिए। अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि किसी किसी कार्बन रेजिस्टेंस में एक, दो और तीन, केवल तीन कलर होते हैं, किसी किसी में चौथा भी राउंड होता है। जो पहला और दूसरा जो राउंड होता है, ध्यान रखिएगा, जो पहला और दूसरा राउंड होता है, ये आपको देता है फिगर। जो आपका थर्ड राउंड होता है, ये देता है आपको मल्टीप्लायर। और जो चौथा राउंड है, ये आपको देगा टॉलरेंस। इन कलर को देखकर और जो टेबल आप लोगों को बताई गई है, उस टेबल के आधार पर हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को अच्छी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कि आपके सामने कोई एक कलर कोड रेजिस्टेंस है, इसमें एक कलर ये है, एक कलर ये है, एक कलर ये है, लास्ट में एक कलर है। यहां मान लीजिए ब्राउन है, ये मान लीजिए रेड है, ये मान लीजिए येलो है, और ये मान लीजिए गोल्ड है। ये चार कलर देख के आपको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो गया नंबर वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर। यहां मैंने आपको बताया पहला और दूसरा राउंड जो होगा वो आपको फिगर देगा। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी जाएगी? ब्राउन का अगर फिगर की बात कहें तो ब्राउन का फिगर है वन टेबल में, और जो रेड है वो रेड का फिगर दिया हुआ है आपका टू। आप येलो देखिए, येलो नंबर तीन पे है, ये आपको देगा मल्टीप्लायर। तो यहाँ पे येलो का जो मल्टीप्लायर है वो है 10^4। चौथा, ये आपको फोर्थ बैंड पर दिया हुआ है, ये है गोल्ड। यहाँ पे गोल्ड का जो टॉलरेंस है वो कितना है? ±5%। तो इस कलर कोड रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 12 × 10^4 ±5%। ये हो गया आपका पहला एग्जांपल। हम लोग अभी दूसरे एग्जांपल से बात करें। अगर दूसरे एग्जांपल को देखें, मान लो इस तरह से कोई गिवन है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये राउंड बना हुआ है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका ऑरेंज है, ये येलो है, ये मान लो रेड है, और ये मान लो सिल्वर है। इस तरह से आपका कोई कलर कोड रेजिस्टेंस है, तब इसकी वैल्यू कैसे आएगी? इसकी वैल्यू के लिए ये नंबर वन, ये नंबर टू, ये नंबर थ्री, ये नंबर फोर, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो पहला और दूसरा, ये आपको देगा आपको फिगर, तीसरा मल्टीप्लायर, चौथा आपको टॉलरेंस। ऑरेंज का जो फिगर है वो है आपका 3, येलो का फिगर है वो है आपका 4,
और जो आपका लेड है, लेड का मल्टीप्लायर 10 पावर 2 ओम प्लस माइनस सिल्वर का टॉलरेंस है आपका 10%। इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट कलर कोड रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद का जो टॉपिक है वो है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। किसी भी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, अगर एक सिंपल सर्किट की बात करें, एक सिंपल सर्किट में ये रेजिस्टेंस हो गया, ये एक बैटरी हो गई, ये की हो गई, तो किसी भी सेल को कंप्लीट करने के लिए हमें एक सेल की रिक्वायरमेंट होती है। इस सेल में जो केमिकल सॉल्यूशन भरा जाता है, उस केमिकल सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसका अपना कंसंट्रेशन होता है। जब यहां से करंट फ्लो होती है तो करंट के मूवमेंट में, करंट के फ्लो में ये इस सेल का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, या हम एक्चुअल डेफिनेशन कहें रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ द सेल इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है और इसको सेल के ऊपर एक स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। रही बात यूनिट की, बात तो यूनिट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस